अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरह। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी वो है दाल के हवाले से। आज हम आप लोगों को जो रेसिपी खा रहे हैं वो है मसर। तो ये कैसे बनेंगे पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये मैं प्याज काट रही हूँ तो मसरों के लिए, मतलब एक छोटे साइज़ का हम लोगों ने जो प्याज है वो लिया। हम लोगों ने ज़्यादा प्याज नहीं डालना। मसाले वाले बना रही हूँ ना, वो तड़का नहीं ना ऊपर से लगाऊंगी फिर मैं इसे। अच्छा अच्छा, मतलब डिफरेंट। वैसे पहले हम लोगों ने तड़के वाले भी खाए हुए हैं। हाँ जी, अपने चैनल पर। ठीक है, तो दो बड़े चम्मच। हाँ, दो डोइया मैंने घी की तेल की डाल दी। कुकिंग ऑयल हम लोगों ने नाज़रीन के साथ शामिल किया है, दो बड़े चम्मच हम लोगों ने दिए हैं। छोटे साइज़ का हम लोगों ने प्याज लिया है और जो मतलब डिफरेंट है इसमें, मतलब तड़का नहीं हम लोग लगाएंगे, हम लोगों ने मसाला भून के मसाला भून कर बनाएंगे। ठीक है जी मम्मा, करें आप रख दूँ। ठीक, ओके जी। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो प्याज है वो रख दी है इनका, क्योंकि हम लोगों ने मसाले वाले मसाले बनाने हैं, तड़का नहीं लगाना। थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक, मेरे लिए भी थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। तो मैं भी आप लोगों के साथ सीख रही हूँ और देख रही हूँ कि मतलब किस तरह ये रेसिपी तैयार होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने प्याज रख दी है, हल्का सा इनको कलर देना है और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं ये जो हमारे मज़ेदार से डिफरेंट स्टाइल के जो मसाले हैं मसाले वाले कैसे तैयार होंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है जी। तो यहाँ पर हम लोग अपने जो उनसे मसर यहाँ जो बना रहे हैं उनके प्याज हम लोग ब्राउन कर रहे हैं। इसी दौरान हम लोगों ने कितना, हाफ टेबल स्पून जो हल्दी पाउडर है वो शामिल किया है, एक टेबल स्पून हम लोगों ने लाल मिर्च पाउडर और ये क्या था, ज़ीरा, ये भी हम लोगों ने हाफ टेबल स्पून, और नमक मामा कितना हम लोगों ने, और ये हसवे ज़रूरत है। मतलब हम लोगों ने रैंडमली आपको जो आइडिया दिया है वो 1 टेबल स्पून का है, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ लोग मतलब कम यूज़ करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अदरवाइज वैसे तो उसको मतलब कम ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ख़ासतौर पर जो बीपी के पेशेंट होते हैं, इट्स नॉट यूज़फुल। हम लोग कम ही खाते हैं, हम लोग भी मतलब कम ही खाते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं। मुझे ब्लड प्रेशर है ना, इसलिए मैं कम ही खाती हूं, क्योंकि मम्मा भी बीपी के पेशेंट है तो, और पापा को भी मतलब सम टाइम हो जाता है ऐसा इशू, जिस वजह से हम लोग मतलब कम ही यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर प्याज भी हल्के से कर लिए, ज़्यादा हम लोगों ने कलर नहीं दिया, और जो हम लोगों ने नमक मिर्च सब डाल दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने ये जो हमारा मसाला था इसको हल्का सा भूना, ज़्यादा हम लोगों ने नहीं भूना। तो उसके बाद तकरीबन हमें 3 से 4 कप इतना हम लोग कैसे, बस आप पानी बोतल की पानी के डाल दिया, मसाला डाल के हम देखते हैं कितना। ठीक है, मतलब 3 से 4 कप आप लोग पानी के गिलास कह सकते हैं, हम लोगों ने वो डाल दिए हैं इसके अंदर। उसके बाद अब जो हमारी मेन रेसिपी जो मसर है वो हम लोग शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। तो मसर ये डाल रहे हैं हम लोग, जब तक मसर डालते हैं तो हम लोग वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो से हमारी ये रेसिपी है वो कैसी तैयार होगी। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरह। अब मैं ना इसे ना ढक्कन लगा देती हूँ कुकर का, मतलब हम लोग अब दम पर रखने लगे हैं, मतलब ढक्कन लगा रहे हैं प्रेशर कुकर का। ये देखिए मैंने लगा दिया, चलो ठीक है। तो अब हम लोग मतलब सीटी के वो बोलने का इंतजार करेंगे और फिर दोबारा अपने गल जाएंगे इसके साथ ना, जल्दी भी गल जाएंगे। तो दोबारा हम लोग अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि आज हम लोग जो मसाले सिखा रहे हैं वो बगैर तड़के वाले नहीं, मसाले वाले, तो कैसे बनेंगे। और ये देखें, मैं भी आप लोग के साथ सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी जगह से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ हमारी जगह से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो सी यूनिक, टेस्टी और जरा हटकर लेकिन आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिल्कुल झटपट बन जाएगी ये प्रेशर कुकर में। यहाँ पर जो सा हमारे कुकर की सीटी है वो बोलने लग गई है, हम लोग यहाँ पर इसकी आंच को बंद कर रहे हैं और जब इसकी स्टीम खत्म हो जाती है तो आपको दोबारा दिखाते हैं। तो हम लोगों ने इनको दम पर रख दिया था, अब ये जो हमारे मसर है फाइनल हो चुके हैं, बन गए हैं। तो हम लोगों ने आज आप लोगों को नए तरीके से बनाना सिखाए हैं मसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है वो अच्छी लगेगी।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।